हेलो हाय दोस्तों, नमस्ते। आप सबको फिर से स्वागत है मेरा और एक न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस, आप सभी ने ना बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रही है आप सभी का। मैम, आपने उस दिन जो मिल्क पंप का बारे में वीडियो बनाया था, कुछ अच्छे से बताया नहीं, कुछ दिखाया भी नहीं, और उस दिन जो भी किया था सब ड्रेस का ऊपर ही किया था, ड्रेस का अंदर लगाया था नहीं। तो गाइस, ठीक है, आज ना हमें आपको पूरा ड्रेस का अंदर लगाएंगे, पूरा आपका सामने ही लगाएंगे और दिखाएंगे इसमें दूध बाहर आता है या नहीं आता है। ठीक है, पूरा सब कुछ जानकारी आपको दे देंगे। ठीक है, इसीलिए तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखो, वीडियो छोड़ के कहीं नहीं चला जाना, क्योंकि ना जो वीडियो छोड़ के जाओगी ना तो सब कुछ छोड़ दोगी आप सभी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं। तो आप ना वीडियो को अच्छा है बोलते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को भी लाइक कर दिया करो, अच्छा होगा। ठीक है, तो हमने ये बताएंगे कि दोस्तों जी, हमने जो उस दिन मिल्क पंप का बारे में बताया था, क्योंकि ना हमने मिल्क पंप का हमने कैसे यूज़ करते हैं और हमें ये किसी लिए लिया था, तो मेरा पास तो रह के वेस्ट हो रहा है, हम किसको दे देने के लिए, इसका बारे में हम वीडियो बनाए थे, लेकिन आपने और कुछ ने सोच लिया। तो कोई बात नहीं, हम आपको आसानी से आज पूरा बताएंगे, पूरा खोल के बताएंगे इसमें ऐसा क्या करेंगे, कैसे दूध बाहर आता है या नहीं। ठीक है, तो सभी का भी एक लिमिट रहता है, जो भी हो, हम हो, गाय हो, बकरी हो, जो भी हो, तो क्यों इसमें ही दूध कैसे आ जाएगा, धीरे 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 कम होते ही जाएगा, एक महीना दो महीना रहेगा, धीरे 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 कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए तो चलो कोई बात नहीं, हम आपको पूरा आज बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो हम चलो देखते हैं बेबी ने अभी क्या करे, पहले बेबी को शांत करने पड़ेगा, उसके बाद सारे काम करेंगे। ठीक है, तो चलो अभी देखते हैं बेबी ने क्या करे। तो गाइस देख लो, बेबी ने इधर अभी खेल रही है, और ये देख रही हो ना, ये लड़का कौन है, आप तो आपका मन में तो क्वेश्चन आता ही होगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको ये लड़का कौन है करके। ठीक है, तो चलो अभी तो बेबी ने खेल रही है, हम तो वीडियो बनाएंगे, लेकिन इससे पहले ना हमने बेबी के साथ कुछ कॉमेडी करते हैं। ठीक है ना जी, तो रुको, हमने कुछ चीज देंगे बेबी को। देख लो गाइस, ये चीज देखेंगे बेबी ने कैसे हो रही है। तो गाइस देख लो, ये दोनों अभी इधर खेल रही है, देख रही हो ना, और ये दोनों ना देखो एक एक चीज के ना, ये देखो लेके आके इधर कैसे छुपा दिया है, देख रही हो ना, पूरा इतु लेके जाके पूरा छुपा देता है ये दोनों बहुत ही ज्यादा झगड़ा भी करते है पूरा। ये तो हमारा बेबी नहीं छोड़ता है, इसका नाम, तुम्हारा नाम क्या है, राहुल, राहुल को नहीं छोड़ता है, और राहुल लकी को भी नहीं छोड़ता है। जब हम मसाज करेंगे ना, कुछ तेल वगैरह कुछ भी मसाज कर लेते हैं, तो उस टाइम हम इसको करेंगे तो बेबी रोता ही रहता है मेरा पास आने के लिए, और जब मेरा माँ करेगा इसको तो मेरा माँ का पास जाने के लिए ये भी रोएगा। ऐसे ही झगड़ा करते ही रहते हैं। तो देख लो, फाइनली ये खा चुका है, ये चार्ज है ना, चार्जर, ये तो खा लिया है, बहुत ही ज़्यादा झगड़ा कर रही है। हमारा बेबी इतना छोटा है फिर भी ऐसे है, इतना गुस्सा करता है पता है, और जब बड़ा हो जाएगा क्या होगा पता नहीं, बड़ा होने पे तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा, तो मेरे को पता है, तो इसलिए वीडियो को देखो। ठीक है, ये तो पूरा इसका ऊपर ही चढ़ जाएगा। इतना छोटा है तो सब कुछ पता चल रहा है इसको, और जब बड़ा हो जाएगा ना देखो, इसको ऊपर हो गया। इतना छोटा से ऐसे हो रहा है, जब बड़ा होगा तो क्या होगा पता ही नहीं है, पूरा बदमाशी हो जाएगा वो पूरा, देखते ही रहना, कमेंट कर देना। ठीक है, बच्चे दोनों कैसे हो रहे हैं दोस्तों जी, देख लो हमने मशीन को अभी पूरा अच्छा से रेडी कर लिया हूँ। ठीक है, देख रहे हो ना, ये है मशीन और ये है पाइप, और इधर जो है ना बटल, देख रहे हो ना, इसमें दूध स्ट्रक होगा। ठीक है, तो ये जो राउंड देख रहे हो ना जी आप, इधर जो एक ड्रेस के ऊपर ऐसे ही लगेगा। ठीक है, आपने तो उस दिन कमेंट किया था कि ड्रेस का ऊपर लगाया था, लेकिन ड्रेस का अंदर नहीं लगाया था, और आपने बोलती हूँ कि दूध बाहर नहीं आ रहा है बोलकर। ठीक है, तो आज ना हमें पूरा ड्रेस अंदर में ही लगाएंगे, पूरा आपका सामने ही लगाएंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखो। तो चलो, ये तो सभी कुछ हो चुका है, अभी ना मशीन को ऑन कर देते हैं। देख रहे हो जी, मशीन अभी ऑन हो चुका है, और कुछ साउंड सुनाई दे रहे हो ना, देख रहे हो ना क्या, तो जिसका वजह से दूध बाहर आएगा। ठीक है, देख रहे हो, ऐसे ही हम दूध निकालते हैं,
तो दोस्तों जी आई एम सॉरी कि हमने इसको ब्लॉर कर रही हूँ, क्योंकि ना यूट्यूब का कुछ रूल रहता है तो जिसको हमको फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि ना हम इसे फॉलो नहीं करेंगे ना तो यूट्यूब ने हमको लात ही मार देगा, पूरा लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसीलिए आई एम सॉरी हमने ये ब्लॉर कर रही हूँ। तो आपने ना कमेंट में ये नहीं बताना कि आपने वीडियो को ब्लॉर क्यों किया और इसे क्यों ब्लॉर किया, ठीक है, आप कुछ कमेंट में नहीं बताना, इसीलिए तो हम ब्लॉर कर रही हूँ ये। तो इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। तो हम ये बताना चाहेंगे कि बेबी जब छोटा रहता है ना तो उस टाइम ये पूरा टाइट रहता है, तो दूध 1 महीना 21 दिन या 1 महीना उससे ही दूध बाहर निकलता है, पूरा टाइट होकर खींचेगा। लेकिन अभी तो ज़्यादा महीना हो चुका है, बेबी भी खाना अभी खा लिया तो इसीलिए खींच नहीं पा रहा है, तो निकालेगा कैसे देखते हैं, ट्राई करते हैं, निकालते हैं या नहीं निकालते। नहीं जी, थोड़ा सा भी निकाला नहीं, देख रही हो ना आप सभी ने, थोड़ा सा भी निकाला नहीं, कि बेबी छोटा रहने का टाइम तो वो तो टाइट रहता है पूरा, ज़्यादा भीग बहुत ही नाइट पूरा भीग जाता है, तो जिसका वजह से ये लगाएंगे तो आसानी से आ जाता है। लेकिन अभी तो बेबी बड़ा हो चुका है, अभी तो जब बेबी बड़ा होते ही जाएगा ना तो दूध कम होते ही जाएगा, तो इसीलिए ये कम हो चुका है अभी दूध मेरे से, तो इसीलिए इसमें बाहर नहीं आ रहा है, देख रही हो ना आप सभी ने। तो दोस्तों आप आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बता देना, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, धमाकेदार वीडियो के साथ, ठीक है। टाटा, बाय बाय, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो।